फिर अपने लश्कर के साथ उन्होंने वहीं पड़ाव किया। एहतियात की खातिर चंद रोज वहीं क्याम किया ताकि फिर सलीबी काफले अर्रबा का रुख न कर पाए। दूसरी जानिब फ्रांस का शहनशाह लोई अपने लश्कर के साथ अंताकिया पहुंचा। अंताकिया का इस वक्त का एक शख्स रेमंड हुक्मरान था और फ्रांस की मलका एलिस का चचा था। अंताकिया के बादशाह रेमंड ने फ्रांस के बादशाह और उसके लश्कर की फराख दिली से इनकी ऐसी खातिर की कि वो गुज़िश्ता इन मुसीबतों को भूल गए जो उन्हें सरजोकियों के हाथों बर्दाश्त करनी पड़ी थी। लश्कर के अंदर जो हसीन तरीन औरतें मौजूद थीं वो अंताकिया पहुँच कर और भी खुल गईं और सलीबी सुरमाओं के साथ उन्होंने खूब दाद ऐश देना शुरू की। इसी बदकारी और उबाशी की वजह से अंताकिया के बादशाह रेमंड और फ्रांस के बादशाह लोई में बदमजगी पैदा हो गई और फ्रांस का बादशाह लोई अंताकिया से रक्त सफर बांधने में मजबूर हो गया। मोरखीन लिखते हैं कि अंताकिया के बादशाह रेमंड और फ्रांस के बादशाह लोई में बदमजगी की वजह फ्रांस के बादशाह की मलका एलिस थी जिसकी बदकारियां मजीद दर मजीद बढ़ती गईं। लोई को रेमंड और एलिस में नाजायज ताल्लुकात का शुबा हो गया था। हालांकि रेमंड एलिस का चचा था। जब इसने मलका पर इस शुबे का इजहार किया तो वो नाराज होकर रेमंड के पास चली गई। लोई अपनी इस तोहीन को बर्दाश्त न कर सका और इसने रात के वक्त एलिस को रेमंड के महल से उठा लिया और अपने लश्कर के साथ अंताकिया से यरूशलम की तरफ कूच किया। बहरहाल इन बदतरीन हालात से गुजरते हुए लोई अपने लश्कर के साथ यरूशलम पहुंच गया। दूसरी जानिब जर्मनी के बादशाह कर्नट को जब खबर हुई कि लोई अपने लश्कर के साथ यरूशलम पहुंच गया है तो इसने समुन्दर के रास्ते कुस्तुनतुनिया से यरूशलम का रुख किया। यूरोप के इन दो ताकतवर हुक्मरानों के इकट्ठे हो जाने से नसरानियों में मुसरत की एक लहर दौड़ गई। दोनों बादशाह जब यरूशलम में इकट्ठे हुए तो दोनों ने मिलकर अपनी गुज़िश्ता कोताहियों पर तौबा इस्तग़फ़ार की और मुसलमानों के खिलाफ मुतहिद होकर जंग करने का इरादा किया। यरूशलम का बादशाह इन दिनों बल्डन था। वो पहली सलीबी जंग के नसरानी सरदार का छोटा बेटा था। यूं जर्मनी और फ्रांस के बादशाह ने यरूशलम के बादशाह के साथ मिलकर अपने लश्कर को मजीद बेहतर बनाने के साथ साथ और इनकी तरबियत का काम शुरू किया और इरादा कर लिया कि तीनों कुव्वतें मुतहिद होकर मुसलमानों के खिलाफ हरकत में आएंगी और सबसे पहले दमिश्क पर हमला किया जाएगा और दमिश्क का कब्जा करने के बाद और आसपास के मुसलमान शहरों और इलाकों को अपना हदफ बनाया जाएगा।